हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एज एन इन्वेस्टर क्या हमारे राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हमें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होगा तो हम किसी भी चीज में मिसलीड नहीं होंगे, हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन पाएंगे। अगर हम अपने राइट्स का ध्यान रखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे तो हम इजिली अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ सेबी ने कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेस्टर्स के डिफाइन किए हैं, चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एज एन इन्वेस्टर क्या है हमारे राइट। सबसे पहला राइट हमारा है कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज एक फेयर प्राइस पर मिले, उसके लिए हमें ओवरचार्ज ना किया जाए। हमारे को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपना सेलेक्ट करने का भी राइट है और चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड ना हो। और हमें इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ट्रांजैक्शंस की थ्रू आर ब्रोकर, और साथ के साथ जो भी ट्रांजैक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहनी चाहिए, ये भी हमारा एक राइट है। और जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं या कोई मॉडिफिकेशन होती है पॉलिसीज में तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और हमें अकाउंट स्टेटमेंट्स भी टाइमली मिलनी चाहिए, हमें टाइम पे अकाउंट स्टेटमेंट्स मिलती रहे, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट राइट है। और हमें एक यूनिक क्लाइंट कोड यानी यूसीसी अलॉट किया जाता है, अगर वो नहीं किया जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। और साथ के साथ अगर जो भी हमारा रजिस्टर्ड ब्रोकर है हम उसके थ्रू ऑर्डर्स भी प्लेस कर पाए, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट राइट। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए कोई फिर पॉइंट नहीं बनता हमारा ब्रोकर के साथ रजिस्टर होने का। और साथ के साथ जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट सजेशंस हमें मिलनी चाहिए वो एज पर आर ऑब्जेक्टिव्स, टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम एक्सचेंज में कंप्लेंट भी कर सकते हैं, अगेन ये भी हमारा एक राइट है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम KYC और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइम पे दें। और कोई भी नाम में, फोन नंबर में या ईमेल आईडी में चेंज है या KYC डिटेल्स में चेंज है तो हम उसे चेंज भी करवा लें, अपडेट करवा लें। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए और समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और साथ के साथ हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए रिलेटेड टू आवर टैक्सेस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, वो सब हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि हमें सही एडवाइस मिल पाए। और जो भी हमारे को ब्रोकर हैं उनसे कोई भी अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें बन रहा है या कोई भी चार्जेस वगैरह के रिगार्डिंग हमें कोई डाउट है तो हमें वो क्वेश्चंस भी करने चाहिए और हम कर सकते हैं, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपना पोर्टफोलियो, होल्डिंग्स, लेजर टाइमली रिव्यू करते रहना चाहिए कि सब सही है या नहीं है, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई फंड्स या शेयर्स हमारे बैंक में या डीमैट में क्रेडिट हुए हैं या नहीं हुए हैं या डेबिट हुए हैं या नहीं हुए हैं ये हमें पता होना चाहिए, हमें चेक करते रहना चाहिए। कोई भी फंड्स या सिक्योरिटीज टाइमली बेसिस पे सेटल हो जाएं, ये भी हमें देखना चाहिए। और हमारे को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स और डीमैट अकाउंट डिटेल्स भी देखते रहना चाहिए कि उसमें सब ट्रांजैक्शन टाइमली हो रही है या नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग एन इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और बाकी भी कुछ अदर यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।